मेरे सामने आप देख रहे हैं राजधानी कीव। ये कीव जहां पर पहुंचने की जद्दोजहद में रूसी सैनिक हैं, लेकिन जंग का आज पांचवां दिन है और पांचवें दिन भी कीव के अंदर नहीं घुस पाए। आपको याद होगा, अगर रिपोर्ट जो दुनिया भर में आई थी उसके मुताबिक व्लादिमीर पुतिन के पास एक ऐसा प्लान है जिसमें 12 घंटे के अंदर ही ये जो इलाका है, ये बेलारूस और बेलारूस से सीधा कीव की तरफ जाने का 12 घंटे का प्लान था, लेकिन वो मुमकिन हो नहीं पाया। आज युद्ध का पांचवां दिन है और उसके बावजूद कीव के अंदर पूरी तरह से आर्मी घुस नहीं पाई है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये रहा कीव और कीव के जस्ट ऊपर आप देखेंगे, यानी कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर, बेलारूस के बॉर्डर पर, यहां पर इस वक्त टॉक्स चल रही हैं। जिस वक्त हम आपको यह खबर दे रहे हैं, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच में टॉक्स चल रही हैं। अब क्या बेलारूस से क्या वाकई में शांति की बेला आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो कीव के इर्द गिर्द सैनिकों का जमावड़ा है और कीव की जो शहर है उसके ठीक बॉर्डर पर यूक्रेन और रशियन सैनिकों के बीच में जबरदस्त बमबारी हुई है। हालांकि यूक्रेनी आर्मी का आज दावा है, लेटेस्ट दावा यह है कि हमने रूस के सैनिकों को रोकने की कोशिश की और अब जो उनका एग्रेशन है वो थोड़ा सा थमा है। लेकिन ये एग्रेशन इधर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये जो इलाका है दोनबास का, यहां पर ये एग्रेशन कम नहीं हुआ है। खारकीव का जो इलाका है, हमने देखा कि बमबारी वहां पर लगातार जारी है। खारकीव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। खारकीव में लोगों ने शेल्टर्स जो है बने हुए हैं, बॉम्ब शेल्टर्स, वहां पर शरण ली हुई है। तो खारकीव में थोड़ा सा टेंशन बनी हुई है। कीव में लगातार टेंशन तो है ही। ये भी कहा जा रहा है कि कीव के अंदर जो खुफिया एजेंसी, जो खुफिया सैनिक है रूस के, वो घुस गए हैं और उनका मिशन है टारगेट नंबर वन, यानी कि जेलेंस्की साहब, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उनको हंट डाउन करने का टारगेट दिया गया। बहुत सारी खबरें ऐसी आई थी कि उनको मारने का प्लान रूस ने बनाया है और इसके लिए करीबन 400 खुफिया एजेंट्स कीव के पूरे इलाके को अपने कब्जे में तो नहीं लिए हुए, इधर पूरे कीव के इलाके में घूम रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की कहां है एग्जैक्टली, ये किसी को नहीं मालूम। हालांकि बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही निडरता के साथ बीच बीच में जेलेंस्की आते हैं और अपने होने का सबूत देते हैं पूरी दुनिया को और लगातार वो एड्रेस भी कर रहे हैं, न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पश्चिमी देशों को भी। और इस बीच पश्चिमी देशों की ओर से लगातार सहायता का दौर भी जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त तीन तरफ से घिरा हुआ है। ये हमने आपको बताया कि इस तरफ से, यानी कि जो ईस्टर्न इलाका है वहां से तो रूसी सैनिक दोनबास के इलाके से घुस ही रहे हैं। कीव की तरफ से हमने आपको बता दिया और साथ ही साथ जो मेरे सामने ठीक अगर आप देख रहे होंगे तो जो सदर्न पार्ट है क्रीमिया का, वहां से भी ओडेसा और क्रीमिया का जो इलाका है वहां से भी रूसी सैनिकों की एंट्री हुई है और वहां से भी बॉम्बार्डमेंट जारी है। तो तीन तरफ से ये हमने आपको स्पेसिफिकली बता दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि युद्ध का पांचवां दिन और कीव के अंदर पूरी तरह से रूसी सैनिक नहीं घुस पाए हैं।